तो ये है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और चर्च का गुम्मत। जब आप मंदिर में जाते हैं तो भगवान के सामने बजाने का संघ, भगवान के सामने तोड़ने का नारियल, और अभी एक और फोल्ड है, इसको मैं खोल देता हूँ। इसको खोलने के बाद आपके सामने ग्लास ऑफ वाटर, और इसको टिल्ट किया थोड़ा सा, ये खेत में सूरजमुखी का फूल कुएं से पानी निकालने का चल, जो गायब होते जा रहे। और अगर इसको ऐसे रखेंगे तो ये इंग्लिश बॉय की हैट, इंग्लिश हैट। अगर इसको टैंक करेंगे तो अब्राहम लिंकन का हैट, अमेरिका। और अगर इसको मैं निकाल दूंगा, सब लोग देखो इंडियन चाय बनाने की पतीली, और फिर से ये सिंपल कागज का कागज, एंड सो मेनी थिंग्स। प्लीज गिव मी बिग हैंड्स। दैट्स ऑल इट। एक और जादू जो हमारे इंडिया का बहुत पुराना जादू है, बेवकूफ राख से कौन आता है। हमारे इंडिया ने पूरे संसार को बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, लेकिन आज हमें टेलीविजन ने बर्बाद कर दिया कि हम वेस्टर्न मुल्कों को कॉपी कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास नहाने और धोने के लिए क्या होता था, शिकाकाई और रीठा। तो ये रीठा का बीज है, इसको सॉपनट कहते हैं, और ये दूसरे मुल्कों में बहुत महंगा मिलता है, लेकिन आज हमारे बाजारों से भी गायब हो रहा है। इसको जादू ये है, इसका पेट में खा जाऊंगा ये मेरे बैग में आ जाएगा। सब बेटा आप थोड़े पीछे हो जाओ। मैं सब बच्चों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि पलौथी मार के बैठिए, घुटनों पे मत बैठिए, बेटे फोल्ड कर लीजिए। सब बच्चे और सब लोग जोर से ताली बजाओ, इसको खा रहा हूं, ये मेरे बैग में आ जाएगा। अभी नहीं, अभी एक दो तीन बोलूंगा, सब लोग, सब छोटे बड़े जोर से ताली बजाएंगे। एक दो तीन। मैम साइड प्लीज। एक और देखना है, सब बच्चे बोलो एक और। बड़े वाला। और हमारी टीम इंटरनेशनल सिख मार्शल आर्ट अकेडमी गतका की तरफ से सबको प्यार भरी सत्कार से सत श्री अकाल, गुड इवनिंग सर, लेडीज एंड जेंटलमैन। हम आपके सामने सिख मार्शल आर्ट गतका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सो आई होप कि आप इस गेम को, मार्शल आर्ट को खूब से एंजॉय करोगे। हो टठे तख्ता कालवाल कर खड़िया बावा, हो कहंदा छेवें पातशाह सो तेरी खावा, हो जिना ढाया तेरे तख्त नू ओ मैं दया सजावा, मां सेरा दा नोच के ओ कुत्ते नू पावा, ओ मैं तर तर मारा गोलियां चमपुरी पचावा, जो
दुश्मन और मैं मोर दिखावा, मैं सुखा सिंह मैं ताब सिंह दी वार दोहरावा, और बल बख्शी मेनू सतगुरु ना चित्तड़ लावा, गुरु पीरा पीर फकीर रबी रूह दरवेशा दी धरती। और किसे शायर दी कलम ने लिखिया, मैं बहुत जमीना वेखिया पर ओ जमीन जो मेरे दिल नु छू गई, ओ जमीन है सभ्याचार दी, ओ जमीन है संस्कृति दी, ओ जो पैदा करती है रबी रूह शेर दिल इंसान, जो रानी है पंजा दरियावां दी जिन्हों कहते ने पंजाब पंजाब पंजाब, उसे पंजाब दी जंपल खेड इंटरनेशनल सिख मार्शल आर्ट गुरुद्वारा टूर नगर टोहाना के बच्चे आप जी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं गतका गतका गतका। इंसाफ पाउण दे जदों सब तरीके नाकामयाब हो जान तां हथियार चुकना जायज है।
My forefathers were martyrs and Maharajas. Real shit, you need to die for you. The fire was just as alive, not to die. It's inside me. Ati travi te bhaage guru ji haq di khatar misal mil nahi sakdi koi na de proper desh gulami rehna se ji hundi na hindi chand qurbani de sajna gur te bahadur am sara sara we all got tiger and stuff and got me told me when you need to recite hot now most dangerous the hype you have shots are no problem all this is gonna pick up the human side with your ego I got in the pain away me not johnny on this is only for the hit to sleep with shiny on she me be a thing diri and not a chakra sing to me on the letter एंटरटेनमेंट के लिए हमने बहुत सारी चीजें रखी हैं। एंट्री नहीं होगी मिस प्रिंट नाम का जो शो है हम लोग रोज 6 बजे 6:30 बजे शुरू करते हैं प्ले पर वहां पर 4 बजे प्ले होगा और 4 बजे के बाद एंट्रीज नहीं होगी तो ये स्ट्रिक्टली मैं बार बार अनाउंस कर रहा हूँ आप सभी को तो दोस्तों जो अब परफॉर्मेंस है ये आपके सामने जो प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं ये नई राहे स्कूल के बच्चे हैं और इन्हीं बच्चों ने अभी इंटर स्कूल प्ले कॉम्पिटिशन भी जीता था और बहुत ही बेहतरीन अभिनय करते हैं ये बच्चे मेरे एक निवेदन है क्योंकि यहाँ पर अंदर ऑडिटोरियम की तरह साउंड सिस्टम नहीं है सेंसिटिव माइक्स नहीं लगे हुए यहाँ पर तो कोई भी यहाँ बोले ना मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरे जोन में साइलेंस मेंटेन रखें बच्चों की आवाज़ ना आए और कोशिश करना कि आपके फोन्स भी ना बजे अभी आप साइलेंट कर लीजिए जो हम लोग अंदर करवाते हैं रोज क्योंकि अंदर आज छोटे बच्चे भी अलाउड नहीं है तो छोटे बच्चों के लिए स्पेशली जो परफॉर्मेंस रखी गई थी वो बाहर के लिए है जैसे ही अंदर एंट्री शुरू होगी तो जैसा हम बताते हैं कि 10 साल से नीचे के बच्चे अलाउड नहीं है तो वो उनको हम अलाउ नहीं करेंगे फोन्स आप अपने अभी साइलेंट कर लीजिए नई राहे स्कूल के बच्चे हैं और इन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती है बहुत ही मेहनती बच्चे हैं और इंटर स्कूल प्ले कॉम्पिटिशन इन बच्चों ने हाल ही में जीता है ये जो प्ले है इसका नाम है भाग्य विधाता इसको उमेश जी ने लिखा है और हमारे ही टीम के अभिनय रंगमंच की जो टीम है इनके दो जो वॉलेंटियर्स हैं और आर्टिस्ट हैं